नमस्कार, साधना न्यूज मध्य प्रदेश में आप सभी का स्वागत है। इस वक्त हम खातेगांव विधानसभा क्षेत्र में हैं, जो मध्य प्रदेश की एक खास विधानसभा कही जाती है, क्योंकि यहाँ पे जो हालात बनते हैं, यहाँ पर जो माहौल बनता है, वो पूरे प्रदेश में दिखाई देता है। इस वक्त हम कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कैलाश कुंडल जी के साथ में हैं, जो एक बार विधायक भी रह चुके हैं और 3 बार चुनाव लड़ चुके हैं। चूँकि बहुत अनुभवी हैं, तो उनसे ये बात करना लाजमी होगा कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस की क्या स्थिति है। जो कहा जा रहा है कि कांग्रेस का माहौल बन गया है, कांग्रेस इस बार सत्ता में आ जाएगी, तो वास्तविक स्थिति क्या है और इसके पीछे कारण क्या है, कन्नौज और खातेगांव की स्थिति क्या है, आइए उनसे बातचीत करते हैं। बहुत स्वागत करते हैं कैलाश। धन्यवाद। बहुत कैलाश जी, शुरुआत हम करते हैं। एक ज़माना था जब शुरुआत हुई थी, आपका लंबा अनुभव है और 3 चुनाव लड़े हैं आपने, एक बार विधायक रहे हैं। उस वक्त की कांग्रेस और आज की कांग्रेस में कोई अंतर पाते हैं आप? नहीं, देखिए अंतर तो बहुत बड़ा है। पहले झंडे और सिंबल के आधार पर वोट मिल जाते थे, लेकिन आज के जो हालात हैं, जहाँ सोशल मीडिया इतना ज़्यादा सक्रिय है, मीडिया बहुत सक्रिय है, जागरूकता लोगों को राजनीतिक रूप से बहुत ज़्यादा आ चुकी है। बल्कि सीधे सीधे मैं ये भी कहूँ, अब आदमी उस आदमी को विधायक चुनना चाहता है जिस तरह हम अपने बेटे के लिए कोई दामाद ढूंढ रहे हैं, और जब तक हमें पसंद नहीं आएगा, हमें ये संतुष्ट नहीं होगा कि नहीं, हमारी बेटी के लिए दामाद अच्छा है, जब तक आदमी वोट नहीं दे सकता। तो अब जो हालात है कि आदमी को अपनी छवि बनानी पड़ेगी, उसका चरित्र विधानसभा में कैसा है, उसके क्षेत्र में क्या छवि है, वो लोगों के सुख दुख में काम आता है कि नहीं आता है, ये सारी चीज़ें काउंट होने के बाद ही मतदाता आपके प्रति वोट करने को तैयार होगा। आपने बहुत अच्छी बात कही कि अब मतदाता जो है बहुत जागरूक हो गया है और वो उसके आकलन भी बदल गए हैं। लेकिन आपको लगता है ऐसा भी होता है कई बार कि सत्ता, जनता ये भी देखती है कि प्रदेश में सरकार किसकी है, केंद्र में सरकार किसकी है, वो ऐसे ही व्यक्ति को विधायक चुनना चाहती है, क्योंकि उसे पता है कि यदि कांग्रेस की सरकार है, भाजपा का विधायक बन गया तो समस्या है, भाजपा की सरकार है, कांग्रेस का विधायक बन गया तो समस्या है। ऐसे में लगता है आपको कि ये जो समस्या है इस वक्त, चूँकि सत्ता लगातार भाजपा की चली आ रही है, इसका नुकसान कांग्रेस को होना है? नहीं, देखिए इसका नुकसान कांग्रेस को नहीं, इसका नुकसान तो सत्तारूढ़ दल को होगा। और इसका ताज़ा उदाहरण है कि जो भी 6 जगह उपचुनाव हुए, उसमें 3 जगह कांग्रेस जीती। उत्तर प्रदेश में तो योगी जी की सरकार है, घोसी में कांग्रेस जीत गई वहाँ पर। तो ये अब मतदाताओं के लिए महत्वपूर्ण नहीं कि सरकार किसकी है, जब तक तो उसको विश्वास हो जाएगा कि व्यक्ति हमारे लिए उचित है, आदमी उसको मतदान करेगा। पहले हुआ करता था कि सत्ता वाले को लोग वोट देते थे, अब लोग आदमी को पसंद करते हैं कि कौन मेरे काम आ सकता है। और निश्चित रूप से मेरा ऐसा सोचना है कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस इस समय बहुत मजबूत स्थिति में है, और हम जिस तरह कर्नाटक का परिणाम आया है, वैसा ही परिणाम मध्य प्रदेश में आपको देखने को मिलेगा। कर्नाटक की बात चूंकि आप कर रहे हैं और भी नेता करते हैं कांग्रेस के वरिष्ठ, कांग्रेस कर्नाटक का भूगोल, कर्नाटक की राजनीतिक स्थिति, सामाजिक स्थिति, आर्थिक स्थिति बहुत अलग है, शैक्षिक स्थिति अलग है, यहाँ की अलग है, तो ऐसे में कैसे हम समानांतर पाते हैं उसको? नहीं, देखिए निश्चित हर प्रदेश की अपनी स्थितियाँ अलग अलग हैं। आज हमारे साथ जैसे 5 और चुनाव हैं, छत्तीसगढ़ में भी हैं, राजस्थान में भी और मध्य प्रदेश में भी हैं, लेकिन छत्तीसगढ़ में और राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है, लेकिन मध्य प्रदेश में हम लोगों के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है कि यहाँ बीजेपी की सरकार है। इसलिए हम लोग विशेष सतर्क होकर काम कर रहे हैं। और जैसे मैंने बताया कि अभी जैसे मेरे पास प्रभार है खंडवा बुरहानपुर का, हम वहाँ पर नेपाल नगर पालिका जीते, हम वहाँ पर नगर निगम में सभापति कांग्रेस का बना पाए, हरसूद में नगर पंचायत में हम कांग्रेस कामयाब हुए। ये निश्चित इस बात का प्रमाण है कि लोगों का मन अब कांग्रेस के प्रति बना है और कांग्रेस को चुनना चाहते हैं। लेकिन ग्रामीण और शहरी जगहों पर क्या अंतर होता है? शहर में देखा गया है, अगर हम भोपाल की बात करें, इंदौर की बात करें, तो शहर में भाजपा मजबूत है, आसपास गाँव में कांग्रेस मजबूत, वहाँ भी जीते हैं परिषद में, तो आपको लगता है कि शहरी जो मतदाता है वो कुछ अलग मानसिकता का होता है? नहीं, शहरी मानसिक, देखिए ग्रामीण क्षेत्र के मतदाताओं की मांगे बहुत अलग तरह की होती हैं। शहर के लोग, जब आप भोपाल की बात करें, इंदौर की बात करें, वहाँ पानी की समस्या नहीं है, बिजली की समस्या नहीं है, सड़क की समस्या नहीं है, स्कूल की, अस्पताल की समस्या नहीं है, लेकिन यहाँ ग्रामीण क्षेत्र में जाएंगे तो सारी समस्याएं आपको देखने को मिलेंगी, कहीं सड़क नहीं है, पेयजल नहीं है, कहीं बिजली की तकलीफ आ रही है। शहरों में 24 घंटे बिजली मिलती है, ग्रामीण क्षेत्र में 10 घंटे बिजली मिलती है, जो खेतों के लिए चाहिए हमें। और कहा जाता है कि कृषि प्रधान देश है, 70-75% लोग किसानी करते हैं, कृषक मजदूर हैं, सबसे ज़्यादा परेशान वही है आज।
और सबसे ज़्यादा नाराजगी आज सरकार के प्रति, चाहे दिल्ली की सरकार हो चाहे प्रदेश की सरकार हो, उन लोगों के उनके खिलाफ है, क्योंकि महंगाई बहुत बड़ा एक मुद्दा है। मजदूरी उतनी नहीं बढ़ी जितनी महंगाई बढ़ी है, आप प्रतिशत देखें दर उसका तो, और उसके बाद बेरोजगारी दर बहुत बड़ी है। पिछले दिनों में एक साल का आप रिकॉर्ड निकालें, सबसे ज़्यादा युवकों ने आत्महत्या करी हैं। क्यों करी है उन्होंने? कोई भी आदमी राजी खुशी आत्महत्या नहीं कर सकता जब तक कोई ना कोई उसका, उसके पिता माता पिता लाखों रुपया खर्च करके उसको पढ़ाते हैं। हम पढ़ते पेपरों में एक चपरासी की नियुक्ति निकली है, इसमें ग्रेजुएट लोग वो दे रहे हैं, आवेदन दे रहे हैं, MBBA लोग दे रहे हैं जिनको लाखों रुपये की सैलरी मिलना चाहिए। पर ये इस बात का संकेत है कि पिछले 8 साल में केंद्र सरकार प्रदेश सरकार ने बेरोजगार युवकों के लिए कोई व्यवस्थित प्लान नहीं किया है, और ये भाजपा वर्तमान सरकार के लिए बहुत बड़ा संकट बनेगा। किसानों की आपने बात कही, किसानों को भाजपा ने अभी ऋण मुक्त ऋण जो था उसमें काफ़ी कुछ पैसा दिया है, उनके बैंक में पहुंचा है। महिलाओं का एक बड़ा प्रतिशत है वोट बैंक का, तो लाडली बहना के नाम पर बड़ा पैसा गया है। आपको लगता है ये कहीं प्रभावित करेगा वोटर्स को? नहीं, देखिए प्रभावित तो हर चीज़ से होता है, आदमी मैं नहीं कह सकता हूँ, लेकिन आज अचानक चुनाव के समय पिछले 6 महीने में माननीय प्रदेश के मुख्यमंत्री जी को बहनों की भी याद आ रही है, किसानों की भी याद आ रही है, सब लोगों की याद आ रही है। 6 महीने पहले लाडली बहनाएं नहीं थी क्या? पहले क्यों नहीं दिया पैसा? और आपने 1000 रुपये, कमलनाथ जी ने जो 5 घोषणाएं करी हैं उसमें तो 1500 रुपये महीना देने की बात की हम लोगों ने, और साथ ही साथ गैस सिलेंडर जो 1200 में आप दे रहे हैं वो हम 500 रुपये में देंगे। आप किसानों को कर्जा माफ़ करेंगे, किसानों को बिजली के बिल माफ़ करेंगे, 100 यूनिट तक की बिजली फ्री देंगे। ये सारे मुद्दों से परेशान होकर आप देखिए शिवराज सिंह जी ने 450 रुपये में गैस सिलेंडर क्यों कम करा, ये इस बात के संकेत है कहीं ना कहीं घबराहट है। आज ये पेपर पढ़ा कि प्रधानमंत्री जी पिछले 10-12 दिन में 3 बार आ रहे हैं। मुझे भी 40 साल हो गए हैं, प्रधानमंत्री आमतौर पर राज्यों के चुनाव में इतना कभी भ्रमण नहीं करते हैं, क्योंकि अब उनके पास मुख्य चेहरा नहीं, उनके पास मोदी का ही चेहरा बचा है, तो इसलिए मोदी जी को जाना पड़ रहा है। तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं इस बात का संकेत तो है ये कि भाजपा में घबराहट है। अमित शाह कितनी बार आ चुके हैं, अभी ये जन आशीर्वाद यात्रा, अभी इतना काम करा, बोले हमने विकास बहुत किया, बहुत विकास किया, तो फिर आपको आशीर्वाद लेने क्यों यात्रा निकालना पड़ रही है, क्या कारण इसके पीछे? 3 महीने रहे हैं चुनाव में, आपको लगता है काफ़ी समय होता है 3 महीने का, ऐसे में भाजपा कुछ नया लेकर आए और उससे जो भी माहौल कांग्रेस का बनाई दिखाई दे रहा है जो आप कह रहे हैं, और हो सकता है कि भाजपा के पक्ष में फिर से बैठ जाए, ऐसा कुछ हो सकता है? नहीं, देखिए ये राजनीति में असंभव तो कुछ नहीं होता है, सब कुछ संभव है, लेकिन जो मैं अब मेरा तजुर्बा है या जो मैं अपने क्षेत्र में घूमता हूँ देख रहा हूँ, खंडवा बुरहानपुर में देख रहा हूँ कि लोगों की मतलब मतदाताओं की और कार्यकर्ताओं की मानसिकता बन चुकी है कि इस बार हमको कांग्रेस की सरकार बनाना है, और कितना ही प्रलोभन दे दें, क्यों आगे आगे भी प्रलोभन दिए, 14 में आपको जानो तो प्रलोभन दिए थे बहुत सारे, कितने पूरे 2 करोड़ को रोजगार देंगे, 15-15 लाख माफ़ करेंगे, तो वो उनके वादों पे लोगों का भरोसा टूट चुका है। इसलिए मैं नहीं समझता कि वो कितना भी बड़ा प्रॉब्लम हो, लागा लाडली में अपनी बहना थी तो उन्हें क्यों पैसे बढ़ाए? पहला मैंने 1000 रुपया दिया था, फिर 1250 क्यों करा उन्होंने? अब बोल रहे हैं कि हम 3000 तक उसको ले जाएंगे, ये इसी बात का संकेत है ना कहीं ना कहीं, कि आपको ऐसा ना हो कि कमलनाथ जी की योजनाएं ज़्यादा मजबूती दिखाई दे रही हैं और अपन पीछे रह जाएं। क्या लगता है खातेगांव विधानसभा क्षेत्र की स्थिति क्या है, चूँकि यहाँ पर 2 बार लगातार भाजपा के विधायक हैं, क्या 3री बार भी वही होने वाला है या कुछ बदलाव होगा, बदलाव होगा तो उसके कारण क्या है ठोस? नहीं, 3री बार नहीं है, लगातार 93 से लेकर भाजपा का ही विधायक रहा है, दो बार रह चुके हैं, और उनके खिलाफ एक माहौल बना हुआ है, उसके पीछे बहुत सारे कारण हैं, लेकिन मैं अभी उन बातों पर जाना नहीं चाहता हूँ। लेकिन यहाँ भाजपा उतनी मजबूत नहीं है जितनी पहले हुआ करती थी, और उसके पीछे कारण है जो पहले भी एक बार मैंने कहा था कि जो नर्मदा किनारे की जितनी विधानसभाएं हैं, अगर आप आकलन करिएगा इनमें क्या धार्मिक प्रभाव होता है, थोड़ा सा धार्मिक कार्यक्रमों बहुत चलते रहते हैं, उसका असर कहीं लोगों की मानसिकता पे बैठा रहता, लेकिन इस बार जब लोग समझ चुके हैं। आप अपने आप को देखते हैं इस बार चुनाव में कहीं किसी रूप में? नहीं, निश्चित रूप से देखिए टिकट बहुत सारे लोग मांग रहे हैं, टिकट मैं भी मांग रहा हूँ, लेकिन यह तय है कि पार्टी को हाईकमान को तय करना है। बहुत सारे सर्वे हुए हैं, बहुत सारे लोगों की रिपोर्टें हैं, उन तमाम रिपोर्ट में जो भी नाम आता है, अगर हमारा नाम आता है, मैं अपनी पत्नी श्रीमती राजकुमारी कुंडल के लिए प्रयास कर रहा हूँ, जिसका भी नाम आएगा
यह तय है कि ईमानदारी से कांग्रेस के उम्मीदवार को जिताने का प्रयास करेंगे। टिकट मिले तो, टिकट ना मिले तो भी हम अपने क्षेत्र से कांग्रेस का विधायक बना के भेजेंगे। कैलाश जी, यदि आपको टिकट मिलता है या आप मैडम को टिकट मिलता है और आप जीतते हैं, तो क्या करने वाले हैं खातेगांव विधानसभा क्षेत्र के लिए? क्या ब्लूप्रिंट है, क्या आइडिया है, क्या प्लान है? नहीं देखिए, सबसे बड़े मेरे पहले पिछले कार्यकाल में 110 एकड़ जमीन मैंने औद्योगिक विभाग को लेके दी थी। आज कितने साल हो गए? लगभग 25 साल हो गए। आज भी वहाँ पर एक भी उद्योग नहीं डल पाया है। और उसके पीछे मेरी मंशा थी कि कभी यहाँ पर उद्योग कोई बड़ा डल जाता है तो 2-4-5 हज़ार लोगों को रोज़गार यहाँ पर उपलब्ध हो जाएगा, जो क्षेत्र की ज़रूरत है। दूसरा, पूरा ग्रामीण इलाका कृषि क्षेत्र है, आधे से ज़्यादा इलाका सूखा है, पानी नहीं किसानों के पास। हमारे यहाँ से नर्मदा जी पानी अन्य जिलों में जा रहा है दूर दूर तक। हमारी प्राथमिकता होगी कि सबसे पहले हमारी विधानसभा को सिंचित कराया जाए, उसके बाद जहाँ पानी ले जाना ले जाया जाए। और जितनी बड़ी बड़ी योजनाएं सरकार ने बनाई हैं, मेरे ख्याल से वो प्रैक्टिकली रूप से संभव नहीं है। इतने बड़े बड़े पाइप हैं, सिर्फ कमीशन के चक्कर में, जैसा बीच में भी आपके चैनल में सबने चला है कि 50% कमीशन के आधार पर ये सरकार चल रही है। ये लाखों रुपये का विज्ञापन, लाखों रुपये के सारे जो खर्च हो रहा है, ये कहाँ से आ रहा है पैसा? हम लोग भी सरकार में रहे, हम लोग भी सत्ता में रहे हैं, लेकिन हमने इस बात को महसूस किया है कि हमारी जनता महत्वपूर्ण है। फिर प्रोपेगेंडा करने से, ब्रांडिंग करने से सरकारें बन भी गई दो बार इनकी, इसमें भी कोई दो मत नहीं है, लेकिन अब बहुत हो चुका। मैं समझता कि अब जीतेंगे। प्रमुख समस्याओं में यहाँ की यही कि किसानों को पानी मिले, सब बिजली मिले, समय पर खाद बीज मिले उनको, और जब अपनी फसल लेकर मंडी में जाए तो उसका उचित दाम मिल सके, ये महत्वपूर्ण समस्या है। और औद्योगिक क्षेत्र की जो स्थापना हमने करी थी, उस क्षेत्र में औद्योगिक लगे, यह है मुख्य रूप से। कैलाश जी, चूंकि आप वरिष्ठ हैं और आप मार्गदर्शक की भूमिका में भी हैं कांग्रेस के लिए, आपके अनुभव का लाभ कांग्रेस लेना चाहेगी, कांग्रेस के जो आम कार्यकर्ता है उसको क्या संदेश या क्या क्या बताना चाहेंगे आप, किस किस तरह से उसको आगे बढ़े? देखिए, मेरा तो कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को, मतदाताओं को एक ही संदेश है कि आने वाली पीढ़ी को अगर सुरक्षित रखना है आपको, आने वाली पीढ़ी को इन तकलीफ़ों से बचाना है, बेरोजगारी से बचाना है, महंगाई से बचाना है, और जो आम आदमी को जो रूटीन में तकलीफ आती है, भ्रष्टाचार चरम सीमा पर इस समय, इन सब चीज़ों से मुक्ति दिलाना है, तो हमको निश्चित रूप से बदलाव करना चाहिए। ग्रामीण क्षेत्रों में अक्सर एक बात मैं कहता हूँ, हम किसान लोग हैं, अपने जानवरों को चराने के लिए एक पारखा रखते हैं, हाली रखते हैं, वो अगर जानवर को भूखा लाता है तो हम उसको साल भर बाद बदल देते हैं। जब हम एक जानवरों को चराने वाले आदमी को बदल सकते हैं, तो हमारे यहाँ लगातार 18 साल से जो सरकार है, और ये माना जा रहा है कि सरकार ने जनता को मूर्ख बनाया है, जनता को सिर्फ बेवकूफ़ बनाया है, कागज़ों पे बड़ी बड़ी योजनाएं बना दी हैं, कागज़ों पे बड़े बड़े बना दिए हैं। आज हमारे यहाँ NH-59A बन रहा है, आप उसकी हालत देखें, अभी हरदा जाएंगे जब, कि उसका जो स्पेसिफिकेशन है उसके अंतर्गत जो है जितना भी डाइवर्सन बनेगा वो डामरीकरण होना चाहिए, या एक भी डाइवर्सन डामरीकरण नहीं है। कैलाश जी, माफी चाहूंगा, लेकिन ये जो आरोप आप लगा रहे हैं, ये तो भाजपा भी लगाती है कांग्रेस पर कि 15 महीने की सरकार थी कमलनाथ जी की, उसमें उन्होंने कुछ भी नहीं किया, जो वादे किए वो भी पूरे नहीं किए, तो ये आरोप जो है, कितने आरोप एक दूसरे पर लगाना चाहिए? दोनों दल एक दूसरे पर आरोप तो लगाएंगे, राजनीति है, लेकिन 15 महीने की सरकार और 18 साल की सरकार, ये कुछ तो अंतर करेंगे आप? समय जो है, अब 15 महीने में 27 लाख किसानों का कर्जा माफ किया गया है, 11,000 करोड़ से ज़्यादा कर्जा माफ हुआ है, प्रदेश में 1,000 से गौशालाएँ बनाई गई। अभी आप बुधनी तरफ जाएंगे, अगर मुख्यमंत्री के क्षेत्र में सबसे ज़्यादा आवार मवेशियाँ मिलेंगी तो आपको नक्सलों उस क्षेत्र में मिलेंगी। हमने वो काम किए हैं कमलनाथ जी सरकार ने जो जनता चाहती है, और इन्होंने वो काम किए हैं जो इनके नेता चाहते हैं। आज मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि हमारा जो कांग्रेस का कार्यकर्ता पहले था, पहले भी अगर गाड़ी पर घूमता था, साइकिल पर मोटरसाइकिल घूमता, तो आज भी वैसे ही घूम रहा है। और भाजपा के कार्यकर्ता जो हैं, जो किसी पद पे नहीं है, आज वो बोलेरो, स्कॉर्पियो और फॉर्चुनर में घूम रहे हैं, तो आखिर पैसा आता कहाँ से? कोई सो अंतिम सवाल है, कितनी सीटें इस बार मध्यप्रदेश में लाने वाले हैं 2030 में? देखिए, मोटे तौर पे तो हम ये वैसा मान के चल रहे हैं कि हम 150 सीट के प्लस जाएंगे। राजी, हमसे बातचीत हुई, बहुत सारा धन्यवाद। और बहुत धन्यवाद आपका भी। तो कैलाश कुंडल जी से बातचीत हुई, और खातेगांव विधानसभा क्षेत्र में विधायक रह चुके हैं, बहुत वरिष्ठ नेता हैं, और बहुत दावा कर रहे हैं कि भाजपा कांग्रेस इस बार आएगी। बहरहाल, कांग्रेस आती है या नहीं ये तो समय बताएगा, लेकिन इतना तय है कि कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में जो जोश है उसका, उसके पीछे कर्नाटक भी एक बड़ा कारण है। हालांकि कर्नाटक की भौगोलिक स्थिति अलग है, वहाँ की सामाजिक स्थिति अलग है। बहरहाल, क्या होता है, कांग्रेस आती है या नहीं आती है, तो किस तरह से आती है, ये आने वाला वक्त ही बताएगा। आप देखते रहिए साधना न्यूज़।